नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा आने वाला बैसाख 30 गते होने वाला स्थानीय तहसील निर्वाचन की तैयारी तीव्र। आज से मतदाता नामावली में दावे विरोध शुरू। राष्ट्रीय सभा के 20वें सांसद के पदावधि आज से उड़ा रहा। रिक्त पद खातिर 20वें सांसद इससे पहले ही निर्वाचित। सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ोला बाद यातायात व्यवसायी द्वारा भाड़ा बढ़ावे की चेतावनी। भाड़ा समायोजन करेला मांग। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल बीच भय दोस्तर का चरण के वार्ता सकारात्मक। मानवीय सहायता खातिर सुरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था करे के सहमति। और एक दोस्तर संस्करण के नेपाल सुपर लीग NSL के एक्शन आज से शुरू। दूसरे 42 खिलाड़ी सहभागी। आप पूरा समाचार। निर्वाचन आयोग आवे वाला बैसाख 30 गते तय भइल स्थानीय तह के निर्वाचन के तैयारी तीव्र गति में आगे बढ़ौले बा। निर्वाचन के तैयारी अंतर्गत आज से मतदाता नामावली में दावी विरोध शुरू भइल बा। आवे वाला फागुन 26 गति तक मतदाता नामावली में रहल त्रुटि सही करेला निवेदन देवे के, केहू से झूठा विवरण दे के नामावली में नाम समावेश कैला पर ओकर विरोध में उजुरी देवे के मिली। साथे कोनो मतदाता के नाम 120 स्थान में समावेश भइला पर एक स्थान में मात्र कायम करे खातिर निवेदन देवे मिले के भी आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बतौले बानी। ई अवधि में मृत्यु भइल या नागरिकता त्यागल मतदाता के नाम मतदाता नामावली से हटावेला सूचना देवे के, उजुरी पड़ल मतदाता के प्रमाण सहित सफाई के मौका देवे के भी प्रवक्ता पौडेल जानकारी देने। 77 जिला स्थित निर्वाचन कार्यालय में दावे विरोध खातिर निवेदन दे सके के और यूहे आधार में आयोग द्वारा छानबीन करके मतदाता के अंतिम नामावली प्रकाशन करके आयोग के तैयारी बाटे। राष्ट्रीय सभा के 20वें सांसद के पदावधि आज से उड़ा रहल बा। 2074 साल में निर्वाचित भइला बाद गोला प्रथा के क्रम में 4 वर्ष कार्यकाल में पड़ल 20वें सांसद के पदावधि आज से उड़ा रहल बा। रिक्त पद खातिर 20वें सांसद निर्वाचित हो चुकल बाड़न। आज से विदा होखे वाला सांसद सब में एमाले के अगम प्रसाद बांतवा राय, कविता बोगटी, कोमल वली, चक्र प्रसाद स्नेही, नयनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुंग, रामलखन चमार और सुमन राज प्याकुरेल बानी। वही लेखा कांग्रेस के दृग नारायण पांडे, तारा देवी भट्ट, राधेश्याम अधिकारी राष्ट्रीय सभा से बाहर हो रहल बानी। उन्हें नेकपा माओवादी केंद्र के खिम कुमार बिक, जीवन बुढ़ा, दीनानाथ शर्मा और शशिकला दाहाल के पदावधि भी आज से उड़ा रहल बा। नेकपा के कृत समाजवादी के उदय शर्मा पौडेल, ठगेन्द्र प्रसाद पुरी, शांति कुमारी अधिकारी जीसी और शेर बहादुर कुंवर के पद भी आज से समाप्त हो रहल बा। मनोनीत सांसद राम नारायण बिड़ारे भी राष्ट्रीय सभा से आज से विदा हो रहल बानी। करीब 5 महीना से बेसी समय प्रभावित बनल संवैधानिक इजलास गठन होके सुनवाई शुरू भइल बा। शुक्रवार के कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की संवैधानिक इजलास गठन करके 6 थान मुद्दा में पेशी समेत तोकले बानी। इजलास में कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की, न्यायाधीश मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ और ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा बानी हा। नेपाल के संविधान के धारा 137 में संवैधानिक इजलास के गठन करे की व्यवस्था बाटे। वो इजलास में न्याय परिषद के सिफारिश में प्रधान न्यायाधीश से तोखल अन्य 4 जने न्यायाधीश रहे के व्यवस्था बाटे। प्रधान न्यायाधीश सोनेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध बीतल फागुन 1 गते सत्ता गठबंधन के 97 जने सांसद सब संसद में महाभियोग के प्रस्ताव दर्ता कैला बाद जबरा निलंबन में बानी। निलंबित प्रधान न्यायाधीश सबरा पर न्यायिक विचलन के आरोप लगावत सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब बीतल कार्तिक 2 का सप्ताह से आंदोलन कैला बाद संवैधानिक इजलास रुकल रहे। संवैधानिक इजलास में सप्ताह में 2 दिन बुध और शुक्र के मुद्दा के सुनवाई होखेला। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। ललितपुर महानगर पालिका पाटन दरबार क्षेत्र जाउला खेलौरी पुलचोक परिसर के धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा कैले बा।
सुकरबार के महानगरपालिका से पाटन दरबार स्क्वायर में एक कार्यक्रम आयोजना करत ई तीन क्षेत्र के धूम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा कैल गेल ह। कार्यक्रम में बोलत ललितपुर महानगर पालिका के प्रमुख चिरी बाबू महर्जन ई कार्यक्रम दू बरस पहले ही शुभारंभ करे के योजना रहला पर भी कोरोना के चलते सफल होके ना सकल बतौनी ह। वहां के आज से लागू होके किसिम से शुरू भइल धूम्रपान निषेधित क्षेत्र में शुरुआती 7 दिन धूम्रपान ना करेला आग्रह करे के और ओकरा बाद जरिमाना तिराबे के भी बतौनी ह। जरिमाना से उठल रकम कैंसर पीड़ित के सहयोग करे के प्रतिबद्धता भी वहां के जनौले बानी। हामीले ग्रेस पेरियडको रूपमा राखौँ अनि त्यो पछि चाहिँ सम्भवतः हामीले 100 रुपियाँ जरिमान गर्ने कि त्यो पैसा पनि हामीले सम्भवतः हामीले चाहिँ क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीलाई नै दिउँला। प्रमुख महर्जन सरकार द्वारा विभिन्न कानून तर्जुमा कैला पर भी कार्यान्वयन ना कैल दावी करत महानगर पालिका लापरवाही ना करके कार्यक्रम सफल बनावे के प्रतिबद्धता भी जनौले बानी। अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी संसद से अनुमोदन भइल विरोध में आज 5 दल से राजधानी में प्रदर्शन हो रहल बा। संसद बाहर रहल छोट 6 कम्युनिस्ट पार्टी और दू मोर्चा के संयुक्त रूप में प्रदर्शन हो रहल बा। संयुक्त आंदोलन के घोषणा कई दल से पहल का कार्यक्रम अंतर्गत प्रदर्शन हो रहल बा। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मशाल मोहन बैदिर किरण नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी माओवादी लगायत के दल द्वारा संयुक्त रूप में प्रदर्शन हो रहल बा। अब आर्थिक समाचार। सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ौला बाद यातायात व्यवसायी सब अपनी सार्वजनिक सवारी के भाड़ा दर समायोजन करे के चेतावनी दिले बाटे लो। डीजल पेट्रोल के दाम से नया रिकॉर्ड कायम करे के क्रम चलत समय यातायात व्यवसायी सब मूल्य वृद्धि फिरता लेवेला या फिर भाड़ा समायोजन करेला मांग कैले बड़न। सरकार द्वारा व्यवस्था करके खुद भाड़ा समायोजन करके उठावे के नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ चेतावनी दिले बा। सरकार द्वारा बीएफए के रात मात्रे पेट्रोल और डीजल में 5-5 रुपया प्रति लीटर के दर से मूल्य वृद्धि कैल गेल रहे। अब पेट्रोल के भाव प्रति लीटर 150 रुपया और डीजल प्रति लीटर 133 रुपया पुगल बाटे। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि और गाड़ी भाड़ा वृद्धि के मार सार्वजनिक सवारी के प्रयोगकर्ता सबके पड़ेला। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच भेल दोसरका चरण के वार्ता मानवीय सहायता खातिर सुरक्षित क्षेत्र के व्यवस्था करे के सहमति करत ओरा गेल बाटे। अपना सबसे आशा कैल मुताबिक के नतीजा ना निकलला पर भी दोनों पक्ष द्वारा मानवीय सहायता खातिर सुरक्षित मार्ग के व्यवस्था करे के निर्णय करके दोसरका चरण के वार्ता समाप्त भेल यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ट्विटर मार्फत बतौले बड़न। वहां के दोसरका चरण के वार्ता में सैन्य अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय करके 3 गो मुद्दा सब विस्तृत रूप में छलफल भेल भी बतौले बानी। सैनिक द्वंद्व क्षेत्र में भेटायल नागरिक सबके उद्धार करे के निर्णय भी वार्ता से कैल गेल बाटे। रूसी और यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय सब द्वारा अस्थायी युद्ध विराम में सहमति जनावल गेल बा। रूस के प्रमुख वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की दोसरका चरण के वार्ता के बड़का प्रगति कहत इही आधार में युद्ध विराम कर सके के भी उनकर कहना बाटे। वार्ता 2.5 घंटा चलल रहे। इही बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन रूस के सुरक्षा परिषद के बैठक के संबोधन करत यूक्रेन में जारी विशेष सैन्य कार्यवाही योजना और एक कार्यतालिका मुताबिक ही आगे बढ़े के बतौले बानी। पुटिन यूक्रेन के राष्ट्रवादी से सर्वसाधारण के सुरक्षित स्थान और जाए ना दे के सर्वसाधारण के मानव ढाल बनावल भी आरोप लगौले बानी। आप खेल कुछ समाचार। दोसर संस्करण के नेपाल सुपर लीग NSL के ऑक्शन आज से शुरू भइल बा।
इससे पहले इन्फा द्वारा बीएफए के आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट के पत्र पिठावत अक्षण रोके खातिर आग्रह कल गेल रहे। खिलाड़ी अनुबंध के विषय में शहीद स्मारक के डिवीजन लीग क्लब द्वारा विरोध कैला बाद इन्फा अक्षण रोकेला आग्रह कैले रहे, लेकिन नेपाल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप शर्मा मिति तय हो चुकल कहत अक्षण ना रुके के कहत आज से शुरू भइल बतौले बानी। एनएसएल द्वारा अक्षण खातिर 242 खिलाड़ी सहभागी भइल भी जनावल गेल बा। एनएसएल के दोसर का संस्करण चैत 26 गति से जेठ 7 गति तक आयोजना होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। निर्वाचन आयोग द्वारा आवे वाला बैसाख 30 गति मुख्य वाला स्थानीय तक निर्वाचन की तैयारी तीव्र। आज से मतदाता नामावली में दावी विरोध शुरू। राष्ट्रीय सभा के 20वें सांसद के पदावधि आज से उड़ा रहल। रिक्त पद खातिर 20वें सांसद इससे पहले ही निर्वाचित। सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ोला बाद यातायात व्यवसायी द्वारा भाड़ा बढ़ावे की चेतावनी। भाड़ा समायोजन करेला मांग। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच भेल दोसर का चरण के वार्ता सकारात्मक। मानवीय सहायता खातिर सुरक्षित क्षेत्र के व्यवस्था करे के सहमति। और ई दोसर का संस्करण के नेपाल सुपर लीग एनएसएल के अक्षण आज से शुरू। 242 खिलाड़ी सहभागी। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।